कौन, ये दुल्हन है, कौन सी दुल्हन है? अरे दुल्हन तो बड़ी प्यार, ये देखो ये भी घर है, बच्चों को देखें जरा, ये देखें पीछे से मिट्टी रसा मैम, लड़की की मिट्टियाँ करके वो फिर खोलते हैं। लाइट जाए तो कोई फिक्र नहीं कि पानी पानी मौजूद है। आज हम अपने मासी के गांव जा रहे हैं। मासी क्या नाम है तेरे गांव का? अच्छा वहाँ के दूर है। आज हम जा रहे हैं अपने मासी के गांव, अपने मासी का गांव देखने जा रहे हैं पहली दफा। और आज क्या है हमारे मासी, मिट्टियाँ खोलनी है कोई? हमारे पापा लेके जा रहे हैं, बैठी है दरिया के पास स्कूल ही है। पापा कितनी अच्छी सराइकी बोलते हैं। है हम पंजाबी, वो मिट्टियाँ की होती हैं, वो आज कोई मेहंदी कहते हैं, मेहंदी की रस्म है ना वो। मैं आप मेहंदी कहने लगी, मिट्टी रस्म है लड़की की मिट्टियाँ करके वो फिर खोलते हैं, आज वो रस्म है। मैं उसका गाँव भी देखने जा रहे हूँ, थोड़ा ये रस्म भी देखने जा रहे हैं। बहुत फ्रेश लेमन लगा हुआ आपके घर तो पूरा बाजार है भाई। मासी कितनी देर रह गई आने में गाँव? देर है। अच्छा ये पूरा बाजार पहले आ रहा है। ओए होए 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 मासी की मर्दी है। ये देखो जी ये पूरा, हाँ ये देखें पूरा बाजार है, हर चीज मिल रही है जी। ये देखो जी पहुंच चुके हैं हम गांव में, आ गया हमारी मासी का गांव। और बच्ची को देखो कितने गौर गौर से देख रही है। ये देखो जी हमारे पापा इनके साथ हम आए हैं। और वो देखो जी भैंसे कैसे नजर आ रही है ना, इसको देखो जरा बच्ची को। ये दुकान है सामने, ये भी दुकान। मासी दुकानें तो साथ साथ हैं, बच्ची उनकी दुकानें साथ साथ हैं मासी के, हाँ साथ साथ दुकानें हैं। बच्ची इतनी हैरानी परेशानी से देख रही है। मासी कहाँ से जाना है? इधर से जाना है। और ये देखो पूरा वहाँ से, ये देखो पूरे बच्चे निकल आते हैं गाँव के, देखा था वीडियोस में अक्सर और अब असल में भी देख लिया है, इतने शौक से देख रहे हैं। क्या हाल है तुम्हारा, ठीक हो? अब हम जा रहे हैं। मासी ये कौन है बच्ची? ये देखो ये भी घर है, बच्चों को देखें जरा, ये देखें पीछे से बच्चे हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। क्या हाल है तुम्हारा, ठीक हो? तुम इस घर में रहती है लगता है, ठीक हो तुम? कहाँ पे रहती हो? ये घर है तुम्हारा है, इस घर में रहती हो? ये बहन भाई है तुम्हारे हैं? अरे इधर शादी हो रही है। अरे किरण क्या हाल है किरण का? अरे ये शादी हो रही है मुझे लगता है यहाँ पे। ओह यहाँ पे देख बन रही है यहाँ पे खाने की। देखो यहाँ पे ये मासी के घर है, ऐसे घर होते हैं। ये देखो जी ये मासी का घर है, हाँ ये गांव के घर है। वाह ये है हमारी मासी का घर। ये है गाँव का मैं घर, यहाँ पे मासी की जेठानी और मासी रहती हैं, है दो हिस्से बने हुए घर के, दो पोर्शन घर के, दो पोर्शन है जिसमें मासी और मासी की जेठानी रहती है। चलो जी ये होते हैं गाँव के घर, यहाँ पे चार पहिया होती हैं। ये देखो जी अरे है नहीं इधर पिक्चर सही बनेगी गाँव के घर। अच्छा मासी कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? अच्छा 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 ये मासी के सारे देवर और जो देवरानियाँ यहीं रहती हैं जेठानियाँ। वाह भाई वाह। अच्छा ये है, ये देखो जी गाँव के घर, गाँव के घर। अरे ये कौन, ये दुल्हन है, कौन सी दुल्हन है? अरे दुल्हन तो बड़ी प्यारी है, इधर तो कर ले थोड़ी सी, इसे नजर आ रही है कि बहुत प्यारी है उसको। प्यार करने की बेटी आई नहीं,
अच्छा ये देखो जी, छोटी सी हमारी दुल्हन, छोटी सी, और अभी आज मीटिंग है, अभी आईब्रोज नहीं बनाई, आईब्रोज बनाएगी हमारी दुल्हन अभी। हाँ किरण से छोटी लगती है ये, अब लिपस्टिक लग रही है तो इसकी जो है ना वो तैयारी हो जाएगी। आज वो मिडी फंक्शन है ना मासी, बच्चों को देख लो, तुम लोगों ने नहीं तैयार होना बच्चों, है अभी तैयार होने के कोई इरादे नहीं है। अरे नहीं सोनी तो बहुत है मासी, बच्चे दे सारे सोने हैं। की बेटी है ये, मासी का सबसे छोटा पीस है। अरे विक्की भाई को भेजूं तेरी सबसे छोटे पीस की मासी, है ये मासी का सबसे छोटा पीस का तो हमें पता ही नहीं था, ये छोटा पीस भी है। तो चार ये थोड़े चक्कर में ला लेते हैं अभी। इधर आके दिखा दे नलके का पानी, इधर से दिखा। क्या बात है भाई मासी, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, लाइट जाए तो कोई फिक्र नहीं कि पानी पानी मौजूद है, चाहे लाइट भी जाए। फुल टाइम एक्सरसाइज है ये तो। जी जी एक और घर है। अच्छा ये नया घर बना है जहाँ मासी ने अपना बेटी का जहाँ पे रिश्ता किया ना, जगह बाजी उनका भी घर बन रहा है यहाँ पे, ये कमरे है। अच्छा अच्छा और बड़ी रौनक होगी, मेहंदी है ना कल। अच्छा भाई मेहंदी बनेगी, ये सारी ससुराल लेने दी जगह ना, सब सारे देर रंग मिली। ये देखो जी ए बात, मेरे सारे देर बेच के नौ के ले लिए, ए मोड़ मेरे देर बड़े ने रख ले सारी जगह तो मेरी जगह। ये देखो जी ये पूरा घर, जमीन खुली है वैसे, ये बन रहा है यहाँ भी घर और जमीन खुली है। बच्चों को देखो है, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, इसको इसकी तैयारियां देखो, किसने तैयार किया तुम्हें, किरण ने, देख तो सही किरण ने पूरी तैयारियां की हैं। और मासी ये क्या है, ये तंबू बनाते हैं। अच्छा 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 अंदर करती हैं, वाह भाई वाह, पूरा वो किया हुआ है, शादी वाला माहौल बनाया हुआ है। ये देखें जी डेक वगैरह भी रखे हैं, रात को यहाँ पे रौनक शौनक कहते हैं, हम लगाते हैं ढोलक बजाते हैं, गाने शाने गाते हैं, ये पूरा माशाल्लाह पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हो जाता है, खूब फन होता है यहाँ पे। ये क्या किया हुआ मासी, अच्छा ये ऊपर, हाँ छत नहीं है लेकिन ये देखो हमारी मासी, मेहमान ज्यादा आ जाए तो चलो यहाँ पे सो सके। देखो ये एक रूम सा बनाया हुआ है, इसकी दीवारें चारों तरफ खड़ी हैं और खिड़की में भी उन्होंने कोई वो टेंट टाइप लगाया हुआ, ऊपर दीवार भी टेंट टाइप बनाई हुई है ताकि कोई मेहमान आ जाए तो वो यहाँ पे सुला सके। और फर्श इसका कच्चा है, ये खुश खुश रहते हैं ये लोग। सारा किसने किया है मेकअप, आंखें बंद करके दिखा, कितनी सोहनी लग रही है वो, देख तू दिखा इधर देख, किरण ने एडवांस मेकअप किया है, बंद कर, किरण ने ज्यादा प्यारा मेकअप किया है, उस दोनों प्यारी लग रही हैं। मासी की बेटियों को देख के पता चल जाता है मासी की बेटी है वो, मासी की बेटी है, बाकी कौन है वो देखिए भी तैयार होके आई है, तू दिखा अपना आईज मेकअप, क्या बात है मासी जी, तू भी तैयार होती मैं तुझे भी दिखाती हूँ तुम्हारी मासी कैसी लग रही है, वो देख अंकल है, मासी के मियाँ कितने खुश हुए हैं, बताओ कैसे लगती मासी तैयार होके, बहुत सोहनी लगती है, देख मासी देख ले मोहब्बत अभी भी कायम है, सोहनी लगी है तो फिर लगी है, ओए होए होए बुढ़ापे में ज्यादा सोहनी लगती है, ये देख ले मासी मोहब्बत कायम है, बच्चे देख कैसे देख रहे हैं। मन साहब ने बुला लिया, चलो जी चार बैठ जाओ, बैठ के बच्चों, बच्चे इतने वो हो रहे हैं हैरान परेशान, बैठो बैठो बैठो, क्या माहौल है, हां यानी सारी रात में चिल्लानी बाजी दी बड़ी फैमिली है, अल्लाह सारा दिन बड़ी फैमिली का बना हुआ है, बेड़ा जी मतलब बच्चे सारे बच्चे हैं और चार पहिया, टिपिकल वो गांव वाला माहौल और ये बच्चे, क्या बात है, अभी इनकी तैयारियां, अभी दो तीन तैयार हो गए, बाकी अभी तैयार होने हैं शादी के लिए, हैं तुमने क्या पहनना है, दिखाओ क्या बात है भाई, क्या माहौल है भाई, सही गांव वाला, अभी हम मासी की बेटी का कमरा भी देखेंगे जाके, दुल्हन का कमरा ना, वो घर था तेरा दूसरा वाला। रे मासी ये देख जी, गांव वाले बड़े खिदमत जो होते हैं ना गुजार होते हैं, ये देखे ली, हाँ
बड़े खिदमतगुजार है वहाँ मेहमान नवाज, गांव वाले बहुत मेहमान नवाज होते हैं। मना किया है कि अभी नाश्ता करके आए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं खाना है, लेकिन यहाँ पे फिर भी आ गया। ये देखो जी यहाँ पे इतना कुछ आ गया, उधर नमक पारे शारे निकाल रही है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत इंजॉय करें, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। चलो जी रसगुल्ला लेते हैं यहाँ से, आई लव रसगुल्ला, सो यम्मी। बूंदी मटर डाल रही मासी हैं, इधर तेरे पापा बड़े शौक से खाते हैं। अंकल लिया, अंकल अक्का और एंजॉय कर रहे हैं बाहर, अभी और भी जाके देखते हैं, अभी तो गांव देखना है पूरा। बहुत मजे की मिठाई मासी है, अरे ये नमक पारे और बूंदी मटर, हाँ वेरी यम्मी। ये देखो जी हमारे बच्चों को ज्यादा जल्दी है, वो मेरे पापा को देखें जरा, मेरे पापा तो लगता है बहुत ही कोई गप्पे शप्पे लगा रहे हैं सामने बैठे अंकल के साथ। ये देखो ये गांव में शादी का माहौल, आज थोड़ा वो उपटन टाइप इस टाइप का फंक्शन है इनका, आगे देख के आते हैं गांव को। ये देखो जी यहाँ पे जो है ना वो ये क्या है, ये वही है, ये वो है ना बैड़िया, ओ ये डंगर है, डंगर है। डंगर और बैड़ी में क्या फर्क है? अच्छा जी ये डंगर है, ये देखो जी, ओए होए होए मुर्गियां पाली हुई घरों में हैं, ये कपड़े शपड़े घरों के बाहर तारे लगा के डाले होते हैं, घरों की घर का हिस्सा ही है ना ये भी, क्या बात है। बच्चों को देखो हैं, ए बच्चे देख लो जरा यहाँ पे हैं, बच्चे शर्मा नहीं रहे, बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट हैं। ये देखो हाँ हाँ वो देख, मैंने सिर्फ तार पे दिखाए थे कपड़े, ये देखो यहाँ भी डाले हुए हैं, धूप भी अच्छी निकली हुई है ना, वो देख तार उधर भी डाली हुई है, नी इधर भी वो वैड़ियाँ शड़ियाँ वो गायें शायें दूध शूद निकालने के लिए ना, क्या बात है भाई, ये सही गांव वाला माहौल लग रहा है ना। वो देखो वो सामने आंटीज वो बाजियाँ शाजियाँ बैठी हुई हैं, और सही गांव वाला माहौल लग रहा है, जबरदस्त हो गया भाई। ये देखो सही बहुत प्यारी, हाँ नहीं ऐसी नहीं बनती, शोर शराबा ही बनता है वहां तो, क्या देखे गोबर से खाद बनती है, कौन सा अच्छा ये गोबर है, ये गोबर है इनका, ये गोबर है, ये देखो गांव वगैरह का, और यहाँ इसकी क्या बनती है मम्मी इससे, अच्छा हाँ हाँ वो थापियाँ जिससे आग जलती है, गैस है नहीं तो इसी से आग जलती है, थापियाँ नहीं बनाते पापा, थापियाँ बनती हैं, आग जलती है, पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान बन गया फिर से। अच्छा वो देखो सामने तार है, ये देखे ये जो पूरी है ना, ये गंदम की फसल है मासी, हाँ ये किसकी है मासी जो यहाँ पे रहते हैं जिम्मेदार वगैरह, सही सही सही, ये लेकिन मासी जमीने तो तुम्हारी अपनी है ना, ये घर अपना है ना, नहीं जिम्मेदार है, तुम लोगों की अपनी नहीं खरीदी हुई, शाम लाट जगह, ओके मुझे लगा था अपनी है मासी, ये चलो देखें, ये देख बच्चे देख हमारे पीछे पीछे हैं, हैं बच्चों तुम लोग, कुछ बच्चे तैयार हो चुके हैं और कुछ बच्चों ने भी तैयार होना है, ओए तुमने देख सारे बच्चे मासी ये सब आते हैं शादी पे, अच्छा पूरा गाँव आता है शादी पे, ये देखो जी पूरा गाँव आता है। चलो जी दुल्हन हो चुकी होगी तैयार, अब जाके देखते हैं दुल्हन को, उसके अभी लिपस्टिक रहती है तो चेक करते हैं दुल्हन कैसी लग रही है। वाह भाई वाह, दिखा ना कितनी प्यारी लग रही है, चादर तार, हाँ हाँ वाह भाई वाह। मासी क्या फंक्शन है आज? आज मिड्डी मेहंदी, अच्छा ये चुटिया आज मेहंदी नहीं है, हम मिड्डी मासी मेहंदी कह रही थी, हमने कहा मेहंदी है, वो मेहंदी नहीं, ये मिड्डी की कोई रस्म है, मिड्डी की तो क्या खोलना क्या है? इसमें चुटिया की है वो खोलनी है, ये चुटिया खोलनी है, कौन खोलेगा ये चुटिया, ये अपने बाल हैं, ये इसके अपने बाल हैं,
माशाल्लाह मुझे लगा आर्टिफिशियल लगाए हुए साथ। अच्छा अच्छा ये रस्म है कि आज ये चुटिया खोलनी है। पर तो देखे दुल्हन, दुल्हन देख ले, बहुत प्यारी है। हाँ छोटी सी प्यारी सी माशाल्लाह। हाँ जी तो हम आ गए गांव से वापस और बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। अभी और भी वीडियोस शेयर करूंगी आपके साथ, स्पेशली दुल्हन का जो रूम है जहेज में, ये क्या क्या देखे है, क्योंकि उस वही साथ ही घर था जहाँ उसने रुख्सत होकर जाना था, उसका रूम कैसे डेकोरेट किया हुआ था, उसको क्या क्या जहेज दिया, सारा आपको दिखाऊंगी मैं कि क्या क्या कुछ ये देते हैं और कैसे ये तैयारियां करते हैं, और गांव के ज़बरदस्त से वो जो टिपिकल कच्चे वाले घर होते हैं वो भी दिखाऊंगी, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, और भी बहुत कुछ है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो अगर वीडियो ये अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।